अरब सागर में भारतीय नेवी के बड़े ऑपरेशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सोमालिया के समुद्री डाकुओं पर भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, 19 पाकिस्तानी 17 ईरानियों को बचाया। आईएनएस सुमित्रा ने सोमालिया के डाकुओं से बचाया। इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, क्या डिटेल इस बारे में? देखिए, तकरीबन 24 घंटे से कम वक्त के अंदर भी आईएनएस सुमित्रा ने दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया है। खास बात यह भी कि आईएनएस सुमित्रा ने ना सिर्फ इससे पहले ईरानियन एक वेसल में से करीबन 17 ईरानियंस को रेस्क्यू कराया था, सैनिटाइज किया था पूरे बोट को, शिप को, और उसके बाद उनको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड कराया था। लेकिन उसी के बाद थोड़ी देर बाद आईएनएस सुमित्रा ने एक और डिस्ट्रेस कॉल आई, जिसके अंदर एक नईम करके एक फिश वेसल थी जिसको सोमालिया ईस्ट कोस्ट से रेस्क्यू कराया गया, उसको सैनिटाइज किया गया, जिसमें 19 पाकिस्तानी नेशनल मौजूद। देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस पूरे इलाके के अंदर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है एंटी पायरेसी को लेकर, वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई अटेम्प्ट देखे जिसे खुद भारतीय वायुसेना ना ही नौसेना ने इस तरीके से क्लियर किया, सैनिटाइज किया, शिप्स को बचाया। और अब ये 24 घंटे में आईएनएस सुमित्रा के दो बड़े ऑपरेशन थे जो सोमालियन कोस्ट के आसपास हुए। शुक्रिया सुमित, पूरी जानकारी के लिए आपका।